बिहार में बीजेपी का चुनावी रथ दौड़ेगा। कुछ देर पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी के प्रचार रथ का उद्घाटन किया। ऐप, जीपीएस और एलईडी से लैस ये रथ काफी हाईटेक है। इस रथ के सहारे बीजेपी 100 दिनों में 1,00,000 जनसभाएं करेंगी। अगर चुनाव सियासत का सबसे बड़ा रण है तो इस रण में तैनाती के लिए तैयार ये रथ बीजेपी का सबसे बड़ा अस्त्र। 10, 20, 50 नहीं बल्कि इस काफिले में तैयार खड़े हैं 160 रथ। बस चुनावी रणभेरी बजाने वाले महारथियों के बिहार पहुंचने की देर है। बिहार के रथों का ये महाकाफिला बिहार के गांव-गांव में अभियान शुरू कर देगा। बीजेपी अध्यक्ष इन्हीं रथों को हरी झंडी दिखाने गुरुवार को पटना पहुंच रहे हैं। उसके बाद 25 जुलाई को महारैली के लिए पीएम मोदी पहुंचेंगे। बिहार के तेज विकास के लिए, सत्ता और व्यवस्था के परिवर्तन के लिए इस अभियान को शुरू करने जा रही है। इसके शुभारंभ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी पूरा एक संबोधन देंगे और अपने परिवर्तन के इसी श्रृंखला में जहां परिवर्तन यात्रा बिहार के गांव-गांव हर टोले तक जाएगी। बिहार चुनावों के लिए बीजेपी के महारथियों ने जो महाप्लान तैयार किया है उसका खाका भी हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले बात रथों के काफिले की। मिनी पिक एप्स पर तैयार ये बीजेपी के परिवर्तन रथ है जिसमें 52 इंच की टीवी स्क्रीन के साथ जीपीएस जैसी तमाम तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये तकनीक सभी 160 रथों में इस्तेमाल की गई है जिसका लक्ष्य है 100 दिन के प्रचार में 1,00,000 चुनावी सभाएं करना। सभी 160 रथ जीपीएस के साथ मोबाइल ऐप से जुड़े होंगे जिसके जरिए रथ के पूरे प्रचार अभियान की सूचना कंट्रोल रूम को मिलेगी। किस रथ ने कितने गांवों का दौरा किया इसके ब्यौरे के साथ वीडियो भी बीजेपी कमान तक पहुंचेगी। हर रथ पर 52 इंच की एलसीडी लगी है जिसके जरिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों का भाषण सुनाया जाएगा। इसके साथ मनोज तिवारी का बनाया गया एक खास गाना भी हर रथ पर गूंजता रहेगा। हर रथ में 4 लोग सवार होंगे जिन्हें अभियान के लिए खास ट्रेनिंग दी गई है। जनसंवाद के लिए तैयार बीजेपी के ये हाईटेक रथ बहुत कुछ कह जाते हैं चुनावी रण में आक्रामक रणनीति के बारे में। इन पर लगे पोस्टरों की भी अपनी जुबान है। मोदी की अगुवाई में केंद्र से लेकर राज्य तक के तमाम नेताओं की तस्वीरें टंगी हैं, जो बिहार में बदलाव का नारा बुलंद करने चुनावी रण में उतरेंगे। एक गाड़ी पर इस रथ को बनाया गया है, पिकअप वैन है इस पर बनाया गया है जिसके अंदर एलईडी स्क्रीन लगाए गए हैं, बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगाए गए हैं, एक जीपीएस भी लगाया गया है जिसके तहत गाड़ियां कहां कहां प्रचार में जाएंगी ये भी आपके सामने होगा। चुनावी अभियान से पहले बीजेपी के परिवर्तन रथों का लक्ष्य तय किया गया है 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में मोदी की महारैली के लिए माहौल बनाने का। रैली से 10 दिन पहले अमित शाह के दौरे का मकसद भी यही है। हरी झंडी दिखाए जाने के बाद ये रथ 17 जुलाई से अपने अभियान पर निकल जाएंगे 1,00,000 चुनावी सभाओं का लक्ष्य पूरा करने। बेटा में कुमार अभिषेक के साथ सुजीत झा, पटना आज तक। से कुछ ही देर पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पटना में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की और बीजेपी के रथ को हरी झंडी दिखाई। बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे और बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की भी मौजूदगी रही। आज तक संवाददाता अभिषेक झा ने लिया मौके का जायजा। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक भले ही नहीं हुआ हो लेकिन प्रचार को लेकर मारामारी तेज हो गई है। आज से बीजेपी अपना औपचारिक शुरुआत कर रही है अपने इस प्रचार कार्यक्रम की चुनाव को लेकर। आप देख सकते हैं शुभारंभ आज है जिसमें अमित शाह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। परिवर्तन यात्रा का नाम दिया गया है जिसमें आज 160 परिवर्तन रथ को वो हरी झंडी दिखाएंगे और ये जो स्टेज है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं तमाम जो गाड़ियां हैं वो रथ के रूप में जो बनाई गई हैं वो बनकर तैयार हैं, इसे हरी झंडी दिखाएंगे। नाम
बीजेपी का ही है, हालांकि झंडा उन तमाम सहयोगी दलों के भी लगे हुए हैं। सहयोगी दल के जो नेतागण हैं जिसमें रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, इनकी तस्वीरें भी इन रथों पर लगी हुई हैं। इस रथ की खासियत यह है कि इसमें एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, बड़े बड़े स्पीकर लगाए गए हैं, साथ साथ इसमें जीपीएस सिस्टम लगा है और इसके अलावा एक मोबाइल ऐप होगा जो कि इन गाड़ियों में जो लोग इन गाड़ियों को लेकर अलग अलग विधानसभाओं में जाएंगे वो इस ऐप से संचालित होंगे। इन गाड़ियों में ये गाड़ियां सीधे तौर पर अमित शाह के दफ्तर से जुड़ी होंगी। फिलहाल 160 गाड़ियों को आज परिवर्तन रथों को आज हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में 243 ऐसी गाड़ियां होंगी जो पूरे विधानसभा में घूमेंगी। बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बिहार में प्रचार वॉर छिड़ा हुआ है उसमें बीजेपी सब पर हावी होते दिखना चाहती है और यही इसका मकसद है। कुमार अभिषेक, पटना आज तक। तो आपने देखा किस तरह से बिहार में रथ प्लान के जरिए बीजेपी ने विजय प्लान बनाया है। पार्टी की कोशिश है कि उन सभी मतदान केंद्रों पर वोटों में इजाफा किया जाए जहां पिछले चुनाव में पार्टी 50 वोटों से पिछड़ गई थी। बीजेपी के लिए महारथियों के लिए रथ तैयार है और रथ के साथ पूरी रणनीति भी, ऐसी रणनीति जो नारा तो बुलंद करता है बिहार को 2 साल की बदहाली से उबारने की, अत्याचार, भ्रष्टाचार और अहंकार से मुक्त कराने की, मगर इस नारे के पीछे मंशा है बिहार में वोटों की राजनीति बदल देने की। उस रणनीति का एक बड़ा हिस्सा तो रथ ही है जिनकी 160 की तादाद ने नीतीश कुमार और लालू यादव के चुनावी गठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि लालू कहते हैं कि बीजेपी का रथ वो आडवाणी के जमाने से ही रोकते आए हैं, तो नीतीश बीजेपी के बदलाव की मंशा को ही खारिज करते हैं। एक एक बस का दाम है 30-30 करोड़, ये रुपया कहाँ से आया? उसमें सारा सुविधा का अंदर खेला है, नहीं समझे? ये अभी जो लोग पैसा कहाँ से आया हम लोग पकड़ेंगे। बिहार में परिवर्तन क्या मतलब? बिहार में जो अच्छा काम चल रहा है फिर बिहार गड्ढे में जाए, यही परिवर्तन लाना चाहते हैं। बिहार का मान सम्मान बढ़ा, बिहार के लोग अब बिहार के बाहर जो जाते हैं तो महसूस करते हैं, गौरवान्वित होते हैं। बिहार के बारे में धारणा बदली तो क्या चाहते हैं कि बिहार के बारे में जो धारणा बदल करके अच्छी धारणा हुई है वो बदल दिया जाए। बीजेपी की रणनीति पर प्रतिक्रिया से अलग लालू और नीतीश कुमार की मुश्किलें अपनी जगह हैं। बीजेपी इन रथों के जरिए एक तरफ गांव-गांव पहुंचकर गठबंधन टूटने के बाद बिहार की बदहाल तस्वीर पेश करेगी, वहीं दूसरी तरफ कोशिश होगी हर कार्यकर्ताओं में जागरण की। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इसके लिए खास सर्वे कराया गया है जिसमें नजर होगी 9000 से ज्यादा वोटिंग बूथ पर जहां बीजेपी के विरोधी 50 वोटों से जीते हैं। ऐसी स्थिति में जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी खास अभियान चलाने जा रही है। प्लान के मुताबिक पिछले चुनाव में 9300 मतदान केंद्रों पर बीजेपी 50 वोट से पीछे रही थी। ऐसे मतदान क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को 100 वोट बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान केंद्रों पर वॉलंटियर्स भी 10 की जगह 20 करने की तैयारी है। इसके अलावा वोटरों के रुझान के लिहाज से स्थानीय मुद्दे उठाने की बात कही गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के ये परिवर्तन रथ स्थानीय जन जागरण में बड़ी भूमिका निभाएंगे। लोगों से उनकी भाषा में बात और लालू नीतीश के पक्ष में एकजुट होने वाले जातिगत समीकरण को तोड़ने की कवायद बीजेपी की रणनीति का बड़ा हिस्सा है। 100 दिन 1 लाख रैलियां, ये है बीजेपी का लक्ष्य बिहार में चुनाव जीतने के लिए। लेकिन सिर्फ 160 रथों के सहारे बीजेपी विधानसभा में घुस पाएगी या नहीं, ये कहना कठिन है। युवाओं और महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के साथ साथ बीजेपी का प्रयास यादव और मुसलमान वोट बैंक में सेंध लगाने का भी है और इसके लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। घर घर नुक्कड़ नुक्कड़ सभा करके लोगों को अपने साथ जोड़ना विकास के मार्ग पर, ये अमित शाह की रणनीति है जिसको उजागर किया जाएगा अगले कुछ दिनों में। बीजेपी के इस आक्रामक अभियान का आगाज 16 जुलाई से हो जाएगा। नीतीश कुमार और लालू यादव पहले ही अपना बिगुल फूंक चुके हैं तो अधिसूचना से पहले ही बिहार में चुनावी रण का डंका समझिए बज गया। पटना में कुमार अभिषेक और सुजीत झा के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक।